बात कर लो जी मैम। मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सब चीज़ें जो है विजिबिलिटी पर आधारित, और ये शो इतना बड़ा है और मतलब नंबर वन शो है, तो इस पर प्रमोट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और क्या है कि जो दर्शक है इस शो का, उन लोगों को भी मज़ा आएगा हम तीनों को ये शो पर देखकर, कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है उनको शो पर। तो मुझे लगता है कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी अक्सर हम लोग शो पर भी प्रमोट करते हैं। लेकिन तुषार, ये जो फिल्म है, ये सेक्स कॉमेडी और ये जो शो है, ये सुपरनैचुरल थ्रिलर है, वेल इस शो में हम फिल्म में क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं, हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं शो में। एंड वी हैव कम एज आफ्ताब एंड तुषार ऑन दिस शो। हम लोग कैरेक्टर्स बन के नहीं आए, मतलब फिल्म की स्टोरी से आधारित एक अलग कहानी बनाई है एज आफ्ताब तुषार, और उस अवतार में हम इस शो में आए हैं। हम अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स बनकर नहीं आए जो आपको लगेगा कि यार अडल्ट चीज़ें हो रही हैं शो के अंदर। वी आर प्रमोटिंग इट इन अ वेरी यूनिक वे जो सीरियल के जॉनर के साथ जाती है। लेकिन बेसिकली अगर किसी कॉमेडी शो में प्रमोट किया था तो ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होता है। कॉमेडी फिल्म है तो कॉमेडी शोज में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारी फिल्म में भी एक कहानी है और शो की भी एक कहानी है। तो किसी शो में जाने वाले हैं भी प्रमोट करने के लिए कॉमेडी शो की बात करें? येस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कपल ऑफ कॉमेडी शो, लेकिन यहाँ मैं सरप्राइज तोड़ना नहीं चाहूँगी। जब उनकी प्रमोशन शुरू होगी ऑडियंस शुड बी एक्साइटेड टू वॉच अस, अभी बोल दूंगा तो एक्साइटमेंट चले जाएगी और फिल्म तो हिट करेगी, डेफिनेटली हिट करेगी। लेकिन आपका आइटम नंबर है वो मेन रीजन रहेगा ऑडियंस खींचने के लिए, काफ़ी चल रहा है वो। आई होप सो, आई थिंक इनके टैलेंट से दूर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ये अपने ये थर्ड फिल्म है क्या कूल अहम सीरीज़ में। एंड ऑफकोर्स आफ्ताब एंड तुषार को आई थिंक ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये फिल्म देखने आएंगे ही आएंगे। कॉमेडी है तो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच कॉमेडी ऑल्सो। लेकिन हाँ, अगर ये गाने ने उसको 5% भी अगर हेल्प करा तो definitely करेगा यार। तो या इट शुड बी एन एडेड एडवांटेज। मैं भी जानना चाहूँगा कि मतलब जो सेक्स कॉमेडी फिल्म होती है उसमें जो सीन्स होते हैं, किसी सीन या स्टिंग सीन्स हो, काफ़ी ज़्यादा सेंसर ऑब्जेक्ट करती है कि ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि तो नेचुरल चीज़ होता है अगर मतलब डेली लाइफ की बात करें। लेकिन क्या कि हर देश में, हर समाज में एक रेगुलेशन होता है, एक मॉरल एथिक होता है, जो गाइडलाइंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। दैट्स वाई वी हैव अ सेंसर बोर्ड इन प्लेस। तो सेंसर बोर्ड अपनी काम करती है और हम लोग अपना काम करते हैं, बट कीपिंग इन माइंड द गाइडलाइंस। एंड अगर उनको लगता है कि ये चीज़ मॉरली सही नहीं है या मतलब समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन लेते हैं। अगर उनको लगता है कि ठीक है समाज के लिए, अगर जैसे आप कह रहे हैं नेचुरल चीज़ें हैं वो पास हो सकती है या लोग उसे देख सकते हैं बिना झिझकते या बिना किसी कंट्रोवर्सी के, तो वो लोग पास कर सकते हैं, पास करते हैं। तुषार, ये भी अगली फिल्म मस्ती ज़्यादा भी आ रही है, वो भी कॉमेडी है। कॉमेडी फिल्म में काम करना थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा रिलैक्स में काम करता है? कोई भी फिल्म में काम करना इजी नहीं, इजी या मुश्किल होता है जितना मतलब आप उसे मुश्किल या इजी बनाते हैं अपने आप में। हाउ मच यू एंजॉय वर्क, दैट्स हाउ डिफिकल्ट और इजी बिकम्स। जॉनर मायने नहीं रखता है कि ये इजी या मुश्किल है। एंड कॉमेडी इज ऑल्सो सीरियस बिजनेस, जैसे कि सीरियस फिल्में सीरियस बिजनेस होती है, कॉमेडी भी सीरियस बिजनेस ही है। काम कभी इजी होता नहीं है, एंटरटेन करना लोगों के लिए वो इजी नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कॉमेडी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रुलाना तो आप किसी दिल में यू नो आप तार छू जाते हो तो इंसान बहुत ईजिली रोता है, लेकिन कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दीज गाइज डू अ फैब जॉब। आपसे पूछना चाहूँगा, वेल देखिए, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस टर्म से रिलेट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट के फील्ड में एंटरटेनमेंट का एक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। डांस एक बहुत बड़ा हिस्सा है एंटरटेनमेंट का, और अगर मैं अपने डांस के लिए जानी जाती हूँ तो व्हाई शुडंट आई डू इट। स्पेशली कनिका कपूर ने गाया है, साजिद वाजिद का म्यूज़िक है, तुषार आफ्ताब की फिल्म है, बालाजी एंटरटेनमेंट का ऑफकोर्स बैनर है, तो आई थिंक ओवरऑल ये ए क्लास है, तो व्हाई नॉट।